राजीव गांधी के मित्रों सिरोही जिले से हैं सर। 5,000 जो बेरोजगार सरकार ने कर दिया है, मैं माननीय भजनलाल सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि 5,000 जो परिवार आपने बेरोजगार कर दिए सर, एक पार्टी का टैग लगा कर रख दिया हमारे 5,000 परिवार के। हम गरीब परिवार से आते हैं सर, हम किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं सर, रोजी रोटी कैसे कमाते वो हम जानते हैं सर। तो मैं माननीय भजनलाल सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि 5,000 बेरोजगार जो किया आपने उसे पुनः बहाल करें, और आपसे ये निवेदन, धन्यवाद जी। आप समझ सकते हैं कि अभी हम इस समय में जयपुर में हैं और अभी भी हमारा संघर्ष जारी है। अभी भी हम देखो कितना मतलब अंधेरा हो गया है, और हम लेडीज़ इन सब भाइयों के विश्वास पे हैं, क्योंकि इन पे मुकदमे लगे हैं जो सरकार ने बहुत गलत किया है। उन्होंने झूठे वादे किए कि आपको बहाल भी किया जाएगा और आप पे कोई मुकदमा नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने उनका सारा उल्टा किया है। इसलिए आज हम अभी भी हमारा संघर्ष जारी और आगे भी रहेगा। हमारी मतलब सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो अभी भी अब युवाओं का कुछ सोचे और हमें रोज़गार दे, वरना फिर युवा, अगर आप युवा के साथ नहीं है तो फिर युवा भी आपके साथ कभी नहीं रहेगा। हमसे ये उम्मीद ना करें, क्योंकि हमें बेरोजगार करके ये सरकार बिल्कुल छोड़ देगी। हम मतलब सरकार का साथ देंगे, या हम तो अभी भी तैयार हैं बीजेपी, हम कोई कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है या कांग्रेस के कोई वो नहीं है, हमें ना कांग्रेस से मतलब ना बीजेपी से, हमें सिर्फ रोज़गार चाहिए और हमें रोज़गार से मतलब है, और आप हमें वापस से बहाल करें। हमारे मतलब हम लेडीज़ होकर के इतना अभी इतने लेट समय तक हम घूम रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, अधिकारी से मिल रहे हैं, लेकिन कोई हमारी नहीं सुन रहा है। वहाँ हमारे बच्चे भी, हम बच्चों को छोड़ के आए हैं, वो भी कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं। तो यही है कि मेरी रिक्वेस्ट कि सरकार हमें वापस से जल्दी ही बहाल करें। हमने पहले भी शहीद स्मारक से किरोड़ी बाबा के घर पे और कई प्रकार के आंदोलन किए हैं, और हमने बूथ दिन धरना देने के बाद में कोई किसी प्रकार की कोई कठोर बात हम सरकार से नहीं हुई, तो हम सारे युवा मित्र अवेश में आकर हम लोग टंकी पे चढ़ गए थे। और उस दिन टंकी पे उतरने के बाद में हमारा डेलीगेशन हुआ था, और वहाँ आश्वासन भी मिला था कि आचार संहिता के बाद में आप लोगों को विकसित राजस्थान के अंदर वैकेंसी आएगी, उसमें आप लोगों को 5,000 लोगों को मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद में हमारे ऊपर 2-3 दिन बाद में मुकदमे भी लगे हैं, मुकदमे भी ऐसी धारा के लगे हैं जो ना हम घर के हैं ना घाट के हैं। हमारे ऊपर 307 की धारा, उनके अलावा 9 धारा और लगी है। हम लोग कहीं के भी नहीं रहे, हमारी अदर नौकरियों में भी हम लोग तैयारी करें तो भी हम लोग वहाँ भी हमारी संभावना नहीं रहेगी। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि हमारा पहले एक धरने के अंदर हमारा एक राजकुमार भाई था, उसका निधन हो गया था, और अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे घर वाले भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमें नई नई नौकरी मिली थी। उस समय हमें लगा कि बाकी अब थोड़ी सुकून है, घर वालों को भी लगा कि हमारा बच्चे वगैरह हमारे नौकरी मिली है तो थोड़ा सारा मिला है। हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे विकलांग भी साथी है जिनके परिवार का गुजारा भी उस पैसों से होता था, और कई ऐसी तलाकशुदा महिला भी है, उनके बड़े बड़े बच्चे भी हैं, उनको पालना पोषना करना उनका भी थोड़ा उतरता है। तो मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी नेता है वो आए, और हमारी मांग है, जायज़ है बिल्कुल, आप काम नहीं करें हमें तो हमारा जो भी नेगेटिव पॉइंट आए तो हमें बाहर कर देना, आप एक बार हमें देख ले, 4-5 महीने के भी मोहलत दे दें, काम नहीं हो तो बाद में हमें पुनः निकाल देना, लेकिन एक बार हमें मौका दें, धन्यवाद। नमस्कार साहब, जैसा कि मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और CM साहब मेरे पड़ोसी मानो एक तरह से, मैं चाहता हूँ कि जैसे हम राजीव गांधी मित्र 5 साल लगे हुए थे तो बहुत संघर्ष हो गया, और जैसे राजस्थान सरकार में कांग्रेस के जो मंत्री थे, पहले विधायक थे, उनको बीजेपी में लेके उनको जो शपथ दिलाई थी, उनको काम बीजेपी से उनको टिकट भी दिया था, तो वो क्या हकीकत में ही उनकी विचारधारा चेंज हो गई? जैसे उनकी विचारधारा चेंज की है तो ऐसे हमारी विचारधारा चेंज हो सकती है, हमें मौका दें, वो तो मौका नहीं दे रहे, उनको कैसे मौका दे रहे हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, ये गरीब की नहीं सुन सकती सरकार, ये ऐसी सरकार है कि हकीकत में ही यहाँ देख लो या ऊपर देख लो, सिर्फ और सिर्फ ये पैसे वाले की सुनती है, गरीब की कभी नहीं सुनती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब अगर हमें बहाली नहीं मिलती है तो राजस्थान के हर ज़िले में, खासकर मैं भरतपुर से हूँ, CM साहब जब जब भरतपुर आएंगे मैं उनका पूरा विरोध करूँगा, क्योंकि अब इस टाइम हम बेरोजगार हैं और बेरोजगार को कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ CM साहब से कि या तो हमारी बहाली कर दें या फिर अपना भविष्य देखें क्या होगा।